हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस समय हिंदी भाषा के बारे में देख रहे थे और हमने हिंदी के जो 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, हिंदी का नामकरण है, हिंदी की उत्पत्ति, हर चीज़ हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर उसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको हिंदी भाषा के इतिहास के नाम से दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने सब कुछ हिंदी भाषा का पढ़ा दिया है। दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम दोस्तों क्या देखेंगे, लिपि के बारे में देखेंगे, कुछ लिपियाँ देखेंगे, उनके संबंधित जानकारियां इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जानेंगे कि लिपि होती क्या है लिपि, ना, तो इस सब के बारे में हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक। तो देखिए लिपि क्या होती है, देखिए लिपि क्या होती है दोस्तों, आपको बता दें कि लिपि का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो लिपना या पोतना होता है। जैसे हम कोई चीज लिख देते हैं, लिप देते हैं, पोत देते हैं, दोस्तों वही क्या है, लिपि है, ठीक है। देखिए समझिएगा, जैसे लिपि का अर्थ है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। कोई भी भाषा हम लिखते हैं तो वो जो लिखते हैं दोस्तों उसका ढंग क्या है, वो जो लिखावट दोस्तों वही क्या है, लिपि है। समझिए, अगर देखे जैसे कि हमें पता है कि अगर रामायण देखते हैं दोस्तों, कब की लिखी हुई है, बहुत साल पुराना है रामायण, ठीक है, तो जो महर्षियों ने लिख दिया दोस्तों, ठीक है, वो अगर लिपि ना होती दोस्तों कैसे लिख पाते। मान लिया अभी हमने ये लिखा लिपि, तो ये किसकी बदौलत लिख पाए हैं, लिपि के बदौलत ही लिख पाए हैं। हमें पता है कि जो अक्षर होते हैं हिंदी में, मान लिया पूछेंगे देवनागरी में कितनी लिपियां हैं, तो देखिए देवनागरी में कितने वर्ण हैं, 52 है, तो 52 ही लिपियां हो जाएंगी। मतलब हम वर्ण को भी लिपियां कह सकते हैं, यानी किसी चीज को लिखना। मान लिया हम कुछ बोल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं हिंदी, तो आप लोग कैसे लिखोगे हिंदी, भैया आप लिखोगे हा, पहले हा लिपि लिखोगे, ठीक है, फिर इसमें बिंदी लगाओ, ये लगाओगे, एक ही मात्रा, और ये हिंदी, तो ये किसके बदौलत लिख पा रहे हो दोस्तों, तो लिपि ही है दोस्तों, ये सभी क्या हैं, लिपि ही हैं। अब मान लिया भैया पुराने जमाने में लिपि ना होती तो लोग बोलते, ठीक है, मान लिया साधु संत बोलते, वहीं पे क्या होता, उसका अस्तित्व तो मिट जाता, कोई लिखने वाला नहीं था, मतलब लिख नहीं पाते अगर लिपि ना होते, तो वो उसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं। आपको पता होगा जैसे पुराने समय में कैसे जान पाते हैं, हम इतिहास को कैसे जानते हैं, कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं कि किसी ने कुछ लिख के छोड़ दिया था, उसी के आधार पर हम उसको समझते हैं। तो वो लिखा किसके जरिए था दोस्तों, लिपि के जरिए था। अगर लिपि नहीं होती तो आज हमें इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो लिपि ही माध्यम है दोस्तों, किसी चीज को हम आगे समय के लिए संरक्षित कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लिया हमने ये पीडीएफ टाइप की, अगर हम पढ़ाते चले जाएं आपको कि भैया लिपि क्या है, तो आपके समझ में नहीं आएगा, आप बाद में नहीं देख पाओगे। अब देखिए हमने पीडीएफ बना दी, इसको लिख दिया दोस्तों, तो ये मतलब सालों साल चलेगा, है ना, तो ये किसके जरिए हुआ है, लिपि के जरिए ही हो पाया है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए अब लिपि क्या होती है दोस्तों, तो लिपि का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा की लिखावट, कोई भी भाषा हम लिखते हैं उसमें वो लिपि के सहारे लिख पाते हैं, और लिखने का ढंग क्या होता है, लिपि होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिप कहते हैं। मान लिया हमने बोला राम, तो हमने राम बोला, ध्वनि हो गई राम। अब देखिए राम किस उस ध्वनि को हम किस चिन्हों से लिख रहे हैं, तो देखिए पहले हमने ये बनाया, फिर आ लिख ये लगाया, फिर माँ लगाया, तो ये सब क्या है, ये लिपि ही है दोस्तों, ठीक। तो कह रहा क्या कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग है, चिन्ह ही तो है, इनका प्रयोग किया वही क्या है, लिपि है, ठीक है। अब देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी लिपि की परिभाषा क्या कहते हैं, देखिए लिखित रूप में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं दोस्तों, है ना, तो लिखित रूप में समझिएगा, लिखित भाषा में दोस्तों जो मूल ध्वनियों के, मतलब हर एक ध्वनि का अलग अलग चिन्ह माने जाते हैं दोस्तों, वे भी वर्ण कहलाते हैं, और पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जो माने जाते हैं वो वर्ण होते हैं, और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, हम लिपि बोल देते हैं, ठीक है। देखिए एक लिप्यंतरण क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि एक लिपि में लिखे गए पाठ को दूसरी लिपि में बदलना, वही क्या होता है, लिप्यंतरण। देखिए जैसे हमने लिख दिया, समझिए हमने लिख दिया देवनागरी, देवनागरी लिख दिया, ठीक, देवनागरी लिख दिया, तो ये हमने लिख दिया देवनागरी। अब इसी का हम पंजाबी में लिख दे दोस्तों देवनागरी, जिस प्रकार से हम नहीं लिख पा रहे हैं दोस्तों, अगर पंजाबी में देवनागरी किस प्रकार से लिखा है तो वो हम लिख दें, तो यही क्या है, मतलब लिप्यांतरण है दोस्तों, यानी हमने देवनागरी लिपि से हमने किसी चीज़ को पंजाबी लिपि में लिख दिया। मान लिया हमारा क्या ज्ञान चैनल है, ये देखिए ज्ञान हमने लिख दिया ये देवनागरी लिपि में। अब इसी को कोई आ करके दोस्तों, ठीक है, कोई आ करके किसी और भाषा में लिख दिया, मान ले इंग्लिश में लिख दिया, देखिए रोमन लैंग्वेज में लिख दिया, तो ज्ञान, है ना, तो ये देखिए ज्ञान किस में लिख दिया, ये किस लिपि में लिख दिया, रोमन लिपि में, ठीक है। और कोई आप पंजाबी में लिख दो, तो यही चीज का कहलाता है लिप्यांतरण, है ना, लिप्यांतरण, तो मतलब किसी लिपि का एक लिपि का दूसरे लिपि में बदल देना, वही का होता है लिप यंत्रण, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत में प्राचीन समय से 3 लिपियां प्रचलित थी, कितनी,
तीन लिपियां प्राचीन समय से ही प्रचलित थी। कौन कौन से? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। दोस्तों तो हम कुछ लिपियों के बारे में देखेंगे, इनके बारे में देखेंगे और कुछ अन्य लिपियों के भी बारे में हम अच्छे से देखेंगे समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम सिंधु घाटी लिपि। देखिए सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी के मॉन्टगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु के लरगाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलों पर मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो मॉन्टगोमरी दोस्तों, ठीक है, और लरकाना जिले से मिले हैं, ठीक है। और आपको बता दे दोस्तों कि क्या है, तो डिरिंजर ने, किसने? डिरिंजर महोदय ने दोस्तों सिंध घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। किसने कहा है? तो डिरिंजर ने दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें कि सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों को लेकर विद्वानों में क्या मतभेद है, ठीक है। देखिए किसी ने, हंटर जो विद्वान दोस्तों, वो कहते हैं इसमें कितनी संख्या, इनके ध्वनों की, ध्वनियों की संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल कितनी लिपियां हैं? तो वो बता रहे हैं 253 हैं, ठीक है। इनमें ध्वनियां कितनी हैं? तो 253 बताते हैं। और लैगडन बोलते हैं कि इसमें 228 हैं ध्वनियां, और गैड व स्मिथ बोलते हैं 396 लिपियां हैं, किसमें? सिंधु घाटी लिपि में, ठीक है। तो ये अलग अलग मत है दोस्तों, ठीक है। तो सिंधु घाटी देख चुके हैं, अब देखते हैं खरोष्ठी लिपि। क्या खरोष्ठी लिपि देखते हैं दोस्तों, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी, क्या शाहबाजगढ़ी कहां पड़ता है? पंजाब में। और मानसेरा, ये भी पंजाब में पड़ता है, में अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ। किसके? एक खरोष्ठी लिपि किससे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों से, सबसे पहले अशोक के अभिलेखों से मिला है। और आपको बता दें कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती, दाहिने से बाएं की ओर लिखा, मतलब ये इस तरफ से लिखी जाती थी, उल्टा लिखी जाती, जैसे उर्दू लिखी जाती ना, तो उस तरीके से लिखी जाती है। इधर से शुरू करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं अभी देवनागरी, हम इधर से शुरू करते लिखना, मगर वो लोग क्या करते थे, खरोष्ठी लिपि इस तरफ से लिखना शुरू करते थे, जिस प्रकार से उर्दू लिखा जाता, आपने देखा होगा उल्टा लिखते ना, तो वो चीजें। अब देखिए इसमें टोटल 37 वर्ण हैं, जिसमें से 5 स्वर और 11 व्यंजन हैं, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं तो तीसरी क्या है? ब्राह्मी लिपि दोस्तों, ये भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है दोस्तों। क्या है? प्राचीन लिपि है दोस्तों, समझ सकते हैं। कुछ लोग इसको ब्रह्मा से संबंधित समझते हैं, उसकी अलग बात है, फिर उस पर हम नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने जो है दोस्तों, बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप, क्या? पिपराला के स्तूप तथा अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख से मिले हैं दोस्तों। और बता दें आपको कि जो प्रोफेसर बुलर हैं उनके अनुसार दोस्तों ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर हैं। कितने हैं दोस्तों? 41 अक्षर हैं, जिसमें से 9 स्वर हैं, वह 32 क्या है दोस्तों? व्यंजन हैं, ठीक है। 9 स्वर 32 व्यंजन दोस्तों, टोटल 41 अक्षर है किसमें? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। आपको पता होगा देवनागरी लिपि में टोटल 52 है, और जो देवनागरी लिपि दोस्तों इसी लिपि से निकली है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। देखिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, कहां, किसने शुरू किया था? वैदिक आर्यों ने। और मुगल, सॉरी गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी दोस्तों। और उत्तरी ब्राह्मी लिपि से दोस्तों कौन कौन सी लिपियां निकली? देवनागरी लिपि, राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि, कैथी लिपि। दोस्तों आपको बता दें कि जो लिपियां हैं दोस्तों, ठीक, भारत की, वो ज्यादातर दोस्तों ब्राह्मी लिपि से ही निकली है ना। और जो दूसरी है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से दोस्तों तमिल लिपि हो गई, कलिंग लिपि हो गई, तेलुगु लिपि हो गई, और ग्रंथ लिपि हो गई, मलयालम लिपि आदि निकली हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अधिकतर भाषा लिपियों की जननी किसको मानते हैं? हम ब्राह्मी लिपि को ही मानते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो देवनागरी लिपि है दोस्तों, वो भी इसी से निकली हुई है, ठीक है। अब देखिए जो भाषाएं दोस्तों, तो आपको बता दें प्राचीन संस्कृत और प्राचीन पाली भाषा दोस्तों इसी लिपि में लिखी जाती थी, ठीक है, किसमें? ब्राह्मी लिपि में। और प्रयोग दोस्तों आपको बता दें कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आपको पता होगा कि अशोक के शिलालेख लिपि में भी देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी देवनागरी लिपि, जिसका हम अभी भी प्रयोग करते हैं। देखिए इस लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से माना था दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन बना भी है, ठीक। देखिए देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। और इसका उल्लेख आपको बता दें कि 343 के काम में देखेंगे तो वहां कहा गया कि संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी दोस्तों। देवनागरी लिपि क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, यानी टोटल
52 वर्ण है दोस्तों। और देखिए देवनागरी लिपि दोस्तों आपको बता दें ये आपके राजभाषा यानी भाग 17 में आप इसी क्या है वर्णित है। भाग 17 343 से लेकर 351 तक आप पढ़ेंगे तो उसी में दोस्तों 343-51 बताया गया है कि संविधान में संघ की भाषा हिंदी तथा इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देवनागरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बता दें इस प्रकार 150 वर्षों कब से 1800 से लेकर 1949 के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई है दोस्तों। ठीक है, इसकी पहचान क्या है दोस्तों, यह लिपि दोस्तों बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हमने जिस तरह अभी आप लोग लिख रहे हैं ये देख रहे हैं ये दाएं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी गई, जो हम ये पढ़ा रहे हैं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी गई। लिपि के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग होता है, आपको पता होगा कि लिपि के ऊपर जैसे हमने का लिखा तो ये जो ऊपर ये डंडी खींचते हैं इसको शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक, तो ये शिरोरेखा का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। संयुक्त अक्षर का भी प्रयोग होता है, आपको पता होगा छत्रंग्यास्रा क्या है, छत्रंग्यास्रा ये संयुक्त अक्षर है दोस्तों, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं इनको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। देखिए प्रथम प्रयोग की बात करते हैं देवनागरी लिपि की दोस्तों, तो द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है 700 से 800 ईस्वी के आसपास। ठीक है, गुजरात के राजा जयभट्ट, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, नेपाली, नागपुरी, भोजपुरी, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, खस और मगही आदि भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। अब देखिए देवनागरी लिपि में किए गए सुधार क्या हैं, देखिए पहला क्या है कि इसके लिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया। और देखिए सावरकर बंधुओं ने आ की बारह खड़ी का प्रयोग किया, आपने सुना होगा कि आ की बारह खड़ी का, तो कक्का किक्की कक्का है ना किक्की, ठीक है कुक्कू है ना कुकू, और के काय है ना कोकाओ को है ना कोकाओ कंका है ना, ये चीजें आपने सुना होगा। तो ये चीजें क्या 12 खड़ी हैं। ठीक है, अब देखिए श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले अनुसार का प्रयोग किया, आपको पता होगा कि पंचमा अक्षर के बदले अनुसार का होता है, जैसे गंगा हमें लिखना है तो देखिए गंगा पहले का अंगा लिखना पड़ता था, इस पंचमा अक्षर को हटा के बिंदी की तरह प्रयोग करते हैं गंगा इस तरह लिखने लगे। ठीक है, ये काका का अंगा है ना, पंचमा अक्षर को हम क्या करते हैं मतलब कि इसको हटा देते हैं अगर कहीं मिलता है पंचमा अक्षर, और उसकी जगह हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। किसने कहा था, श्याम सुंदर दास ने इसके बदले अनुसार का प्रयोग करने के लिए बताया, जैसे पतंजलि कहा चाचा चाचा इया है ना, इया की जगह हमने क्या किया, ये इया आ गया, इया की जगह हमने क्या कर दिया बिंदी का प्रयोग कर दिया। उसे कंठ में देखिए टा टा आड़ा, तो पंचमा अक्षर आया दोस्तों आड़ा, तो ये आड़ा आ गया, इसकी जगह हमने बिंदी का प्रयोग कर दिया। ठीक है, ये चीज समझते हैं है ना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए संदीप आ गया, हमारा नाम आ गया टा दादा ना, तो देखिए ये जो ना है दोस्तों इसकी जगह हमने बिंदी का प्रयोग कर दिया। उसी तरह दोस्तों पापा मां, अब देखिए संबंध में मां आ गया दोस्तों, मां की जगह हमने बिंदी का प्रयोग कर दिया। तो ये चीजें किसने बताई, तो ये भी क्या है पंचमा अक्षर का प्रयोग देवनागरी में होने से थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग से रखने का सुझाव दिया गया। देखिए वैसे ये सुझाव माना नहीं गया दोस्तों, आपको पता है कि गोरखनाथ जो है दोस्तों वो गोरख प्रसाद दोस्तों वो कहते थे जो कुल लिखा है दोस्तों इस तरह नहीं लिखना चाहिए, वो कहते हैं पहले का लिखिए फिर ऊ की मात्रा लगाइए फिर ला लिखिए, इस तरीके से दाहिनी तरफ लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कुल माना जाए, मगर इसको गलत माना, जैसे काबुल है तो कहते थे काबुल कैसे लिखो, का लिखो फिर आ की मात्रा लगाओ फिर बा लिखो, ठीक है फिर क्या करो ऊ लगाओ ऊ की मात्रा और फिर ला लिखो, तो इस तरह उन्होंने कहा था, वैसे ये सही नहीं है। ठीक है, मगर ये चीजें बताई गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल प्राण के नीचे 5 चिन्ह लगाने के सुझाव दिए गए, मतलब इस तरह के चिन्ह लगाने के सुझाव दिए गए थे। और आपको बता दें कि 1945 में काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा आ की बारह खड़ी और श्रीनिवास के स्वीकार को अस्वीकार कर दिया। आपको पता होगा कि इसके इसको दोस्तों और जो बारह खड़ी उसको स्वीकार कर दिया। सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है, देखिए हिंदी में क्या है सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है, जैसे कि आप सुनिएगा, जैसे आपको का लिखना है, ठीक है अब का लिखना है का के लिए अलग है। अब वहीं पे दोस्तों अगर इंग्लिश की बात करें, देखिए का हमने क्यू को भी का लिख दिया और देखिए के को भी का लिख दिया और सी को भी का लिख दिया, कैट लिखना CAT फिर का हो गया, ठीक क्वीन लिखना है तो का हो गया क्यू से हो गया, और
काइट लिखना तो फिर का से होगा। तो यार देखिए इंग्लिश में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्या है दिक्कत है कि हम का को कैसे लिखें, सी से लिखें, क्यू से लिखें, कैसे लिखें, मगर हिंदी में हर एक चीज़ के लिए दोस्तों अलग अलग ध्वनियाँ हैं। मगर हिंदी में कुछ दोष हैं, जैसे कि आप रा और वा लिखते तो कोई कोई इसको खा पहचान लेते, वैसे खा अलग तरीके लिखा था, जैसे इस तरीके लिखा था, मगर फिर भी लोग इस तरह लिख के क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत प्रदान कर देते हैं। जैसे कि आपको भा लिखते कुछ लोग ऐसे भा लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लिया ऐसे आपने भा लिखा दोस्तों, इसको जोड़ दिया तो ये माँ किदा लगेगा, इसलिए भा किस तरह लिखिए, इस तरह भा लिखिए। और आपको पता है कि जो इसमें होता है देवनागरी लिपि में जो घुंडी वाली चीज़ें होती हैं उनके पूरी ऊपर शिरोरेखा नहीं डालते, जैसे मान लिया शिरोरेखा का होता है दोस्तों, जैसे मान लिया घुंडी वाला धा है तो हम इस पे केवल यहीं पे शिरोरेखा लगाएं, पूरे पे नहीं खींचेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी घुंडी वाला शब्द जैसे था है तो पूरे पे हम नहीं खींचेंगे, इतने पे ही हम छोड़ देते। तो ये चीज़ें हैं कुछ देवनागरी लिपि की। चलिए कुछ हम दिखाते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों जैसे देवनागरी में देखिए का किस तरह लिखा था, का इस तरह लिखा था, एक की मात्रा इस तरह लगती, उसी तरह देखो बंगाली में, बंगाली लिपि में कैसे लिखे थे, देखिए ये का इस तरह लिखा था और एक की मात्रा लगने बाद ये की इस तरह होती है, जिससे कि हम ये देवनागरी इसमें इस तरह लिखाते हैं। वहीं गुजराती में का कैसे लिखे दोस्तों, इस तरह का लिखते हैं और ये एक की मात्रा लगेगी तो इस तरह हो जाएगा की, है ना। वही तरह गुरुमुखी लिपि में क्या होगी, देखिए इस तरह का लिखते हैं और एक की मात्रा इस लगाते हैं तो ये हो जाता की, है ना। कनाडा में किस तरह लिखते हैं, कन्नड़ में तो ये का है दोस्तों, एक की मात्रा ये लगी तो ये हो गई की। मलयालम में किस तरह लिखते हैं, ये है का और ये ई की मानता लगी है तो ये होगा की दोस्तों। उड़िया में ये कहा है दोस्तों, ई की मानता लगी तो ये होगा की दोस्तों। तमिल में ये कहा है, ये ई की मानता लगी तो ये होगा की दोस्तों। तेलुगु में ये कहा है और ये ई की मानता लगी तो ये होगा की। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये अपनी क्या है, देवनागरी लिपि है और हर एक भाषा का हमने इसमें हर एक चीज को हमने दिखाया कि किस तरीके से क्या बनता है, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अगली लिपि देखते हैं दोस्तों, पांचवें नंबर गुरुमुखी लिपि है। देखिए गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है कि गुरु के मुख से निकलने वाले जो निकली हुई बातें होती है उनको गुरुमुखी कहते हैं ना, गुरु के मुख से निकली हुई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और इसमें 3 स्वर और 32 व्यंजन के साथ कुल 35 वर्ण है। कितने स्वर हैं? 3 स्वर और 32 व्यंजन के साथ में कुल 35 वर्ण है दोस्तों गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। और देखिए गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। किस, कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। क्वेश्चन आएगा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। किसके द्वारा शुरुआत की गई गुरुमुखी की? तो अंगद देव द्वारा, गुरु अंगद देव द्वारा, ठीक है। चलिए अब अरबी लिपि देखते हैं दोस्तों। अरबी लिपि क्या है? अरबी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों, इस तरफ से उल्टी लिखी जाती है ना। अरबी लिपि इस तरफ से लिखी है, दाहिने से बाईं ओर, ठीक है, उल्टा लिखा जाता है। इस लिपि में अरबी, फारसी, उर्दू भाषाएं लिखी होती है। जैसे आपने देखा होगा उर्दू लिखते हुए देखा होगा, इसी तरफ से शुरुआत की जाती है, ठीक है, दाहिने से बाईं ओर। बाकी देवनागरी क्या होती है? बाएं से दाहिने लिखते हैं, मगर ये दाहिने से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो अरबी लिपि के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए रोमन लिपि क्या होती है? अब देखिए रोमन लिपि में दोस्तों अंग्रेजी लिखी जाती है, रोमन लिपि, समझ रहे ना। देखिए रोमन लिपि में अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती हैं दोस्तों। जैसे अंग्रेजी हो गया, जर्मन हो गया, फ्रांसीसी हो गया, स्पेनिश हो गया, पुर्तगाली हो गया, इतावली हो गया, डच हो गया, स्वीडिश हो गया और रोमानियाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। अब देखिए यह लिपि देवनागरी तरह बाएं से दाएं लिखी, आपने देखा होगा जैसे हम कोई चीज़ लिखते तो इस ध्यान से शुरू करते, जैसे हम देवनागरी लिपि लिखते तो इसी तरह से देवनागरी लिपि लिखते हैं। आपको पता होगा कि रोमन लिपि में दोस्तों 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं, टोटल 26 स्वर होते हैं। आपको पता होगा ए ई आई ओ यू 5 ही स्वर होते हैं और 21 व्यंजन टोटल 26 होते हैं, आ से ए टू जेड तक 26 हो जाते हैं, ठीक। तो यही क्या है? रोमन लिपि है दोस्तों, ठीक है, समझ जाइएगा। अब देखिए गुजराती लिपि, देखिए गुजराती लिपि नागरी लिपि से व्युत्पत्ति उत्पन्न हुई है, मतलब व्युत्पन्न हुई है। और आपको बता दें गुजराती लिपि पहली बार 1797 में दोस्तों विज्ञापन में छपी थी। इस लिपि में दोस्तों शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते और भाषा कौन सी लिखते हैं? गुजराती। जैसे आपको पता होगा कि हम देवनागरी में का लिखते हैं तो उसके ऊपर शिरोरेखा लगाते हैं, मगर गुजराती में हम शिरोरेखा नहीं लगाते दोस्तों, ऊपर डंडी, ऊपर ये वाली डंडी नहीं खींचते गुजराती लिपि में। तो ये इसकी अलग पहचान है, ठीक है। अब बंगाली लिपि देखते हैं, तो बंगाली लिपि में दोस्तों बंगाली लिखी जाती है, बंगाली भाषा। तमिल लिपि में तमिल भाषा। चीनी लिपि में दोस्तों मंदारिन, जो कि सबसे बहुत ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, कैंटोनी भाषा लिखी जाती है। वहीं कांजी लिपि में दोस्तों जापानी भाषा लिखी जाती है। अब हम ब्रेल लिपि देखते हैं, ब्रेल लिपि इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए ब्रेल लिपि का होता है, ये अंधों के लिए होती है दोस्तों, ठीक है। देखिए इस लिपि का प्रयोग विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया था दोस्तों। ये नेत्रहीनों के लिए स्पेशल है दोस्तों ब्रेल लिपि, ठीक। इसके क्या करते हैं, नेत्रहीन जो होते हैं दोस्तों वो छू करके, इसको स्पर्श करके दोस्तों पढ़ना इससे सीखते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे दोस्तों। देखिए इस पद्धति का आविष्कार 1884 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक, किसने?
लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में किया था। देखिए लुई जो आपकी ब्रेल लिपि है दोस्तों, इसके आविष्कार किसने किया, तो लुई ब्रेल ने कब किया, 1884 में। कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी यानी फ्रांस के थे, एक नेत्रहीन लेखक थे। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने 6 बिंदुओं का उपयोग किया और 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपियां बनाई। मतलब टोटल कितनी चिन्ह वाली लिपियां बनाई, 64। देखिए इसमें 6 बिंदु होते थे, क्या 6 बिंदु होते हैं, इन्हीं को स्पर्श करके वो पहचानते हैं। देखिए आपको दिखा दें, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम दिखाते हैं किस तरह से होता है। देखिए यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रयोग में लाई थी जहां पर ये अंधों के पढ़ने के लिए है ना। देखिए कितने होते हैं इसमें, 6 डॉट होते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि आधुनिक ब्रेल लिपि में 8 बिंदुओं के सेल में विकसित कर दिया गया है। मतलब पहले 6 होते थे, अब आधुनिक में क्या हो गया, 8 लिपियां हो गई, 8 बिंदु होते हैं। ठीक, इनको छू करके स्पर्श करके बताया जाता है कि कौन सी ये लिपि, ये उभरे हुए अक्षर होते हैं। जैसे मान लिया देखिए जैसे मान लिया का को उन्होंने कैसे पता कर दिया, अब ये देखिए इस तरह बना दिया 6 डॉट। ठीक है, तो ये 6 डॉट बना दिया, तो इसको आपने उसने उन्होंने स्पर्श किया उभरे हुए थे, तो इनको लगा कि का है। ठीक, समझ गए, आप कहीं भी 6 डॉट मिलेंगे उभरे हुए तो बता देंगे का लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से मान लिया खा को वो 6 डॉट ये 3 पहले कर दिए और फिर ये 2 कर दें और फिर 1 कर दिए। अब इसको छुएगा, ऊपर 3 लगेंगे, 2 लगेंगे, 1 लगेगा, तो इसको बता दें खा है। तो इस तरीके से मतलब वो अलग तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आधुनिक इसमें 8 बिंदुओं का प्रयोग किया गया और जिसमें 64 अक्षर के बजाय 256 अक्षर संख्या विराम चिन्हों को भी पढ़ने की सुविधा दी गई। मतलब इनमें 8 बिंदु हो गए और इसमें आपको सब कुछ बताया गया, विराम चिन्ह भी पढ़ सकते हैं, मतलब एक एक चीज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको आधुनिक मॉडर्न तरीके से उतारा गया ब्रेल लिपि को दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम आपको ब्रेल लिपि दिखा देते हैं कैसे होती है। देखिए ब्रेल लिपि कैसे, देखिए इस 6 डॉट है, देखिए समझिएगा ये 6 डॉट है दोस्तों। अब देखिए ए लिखना होगा तो ये क्या करेंगे, 6 डॉट में क्या करते हैं, ए डॉट को बहुत उभरा बना देंगे। एक ही डॉट होगा जो पहले वाला डॉट होगा, इसको उभरा बना देंगे, तो लोग जब इसको स्पर्श करेंगे तो एक डॉट आपको उभरा हुआ दिखेगा, तो समझ जाएंगे ये ए लिखा है। ठीक है, एक डॉट उभरेगा तो ए हो जाएगा। अब देखिए बी को कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो पहले के जो लाइन है दोस्तों उसके 2 डॉट उभरे कर देंगे, तो वो छुएंगे तो 2 डॉट उभरे पहले लाइन के लगेंगे, तो ज़्यादा उभरे लगेंगे तो बी समझ जाएंगे। अब सी में क्या होता दोस्तों, वो पहले के जो ऊपर वाली लाइन के 2 अगर डॉट उभरे मिलेंगे तो उसी समझ बैठेंगे। अब डी में क्या होता है, इधर 3 डॉट उभरे मिलेंगे तो डी समझ बैठेंगे। ई में क्या होगा, एक इधर का और एक इधर का उभरा हुआ डॉट मिलेगा, ई समझ बैठेंगे। उसी तरह एफ में यहां से ये 3 डॉट उभरे मिलेंगे तो एफ समझ बैठेंगे। और जी के लिए दोस्तों 4 उभरे होंगे तो ई क्या समझ बैठेंगे दोस्तों, जी समझ बैठेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हर एक वर्ण का अलग अलग, देखिए आप देख सकते हैं एच को किस तरह से ये 3 होंगे। ठीक, आई को दोस्तों ये 2 केवल, और जे के लिए ये 3 उभारे जाएंगे, और के लिए ये और ये वाला, एल के लिए ये वाले 3, और एम के लिए ये 2 और एक इधर वाला, एन के लिए दोस्तों ये हो जाएंगे 4 हो जाएंगे दोस्तों, है ना, इस तरह से उभारेंगे। पी के लिए दोस्तों एक ये फिर ये है ना, क्यू के लिए पी के लिए दोस्तों ओ के लिए 3 और पी के लिए ये 4 हो जाएंगे इस तरह से, और क्यू के लिए देखिए ये 5 हो गए, सभी उभार देंगे, 5 उभार देंगे एक छोड़ के। अब देखिए आर के लिए ये इधर उभारा गया, ये आर हो गया दोस्तों, छू के बता देंगे आर हो गया। ये एस के लिए दोस्तों ये, टी के लिए ये हो गया, है ना, यू के लिए दोस्तों ये 1 उभार दे, 2 इधर के, और यू के वी के लिए दोस्तों ये उधार दिए गए, और डब्ल्यू के लिए दोस्तों ये उभारे गए, और उसी प्रकार से एक्स के लिए देख सकते हैं ये, और वाई के लिए और जेड के लिए ये दोस्तों। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार पहचानते हैं इनको। देखिए ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये छेद छेद बने हुए दिख रहे हैं ना, ये छेद छेद बने दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें सबको लिखा हुआ है उसी तरह से, देखिए अब उसी तरह से लिखे हुए हैं। अब देखिए ये इनको स्पर्श करते हैं, देखिए जो अंधे लोग हैं ये इसको छूते हैं और छूते बता देंगे कितने डॉट उभरे हैं, उन्होंने उन्हें लगा कि हाँ 2 उभरे हैं इस तरह से उभरे हैं, तो उसको पढ़ के बता देंगे कि का है, एक में का एक उभरा है तो का है ना। ये देखिए इसी तरह लिखी हुई होती है ब्रेल लिपि लुई, है ना, 2 ब्रेल लिपि होती है दोस्तों, इसी तरह लिखी जाती है। और इसको छू करके स्पर्श करके उंगली से, है ना, इस तरह स्पर्श करते हैं और ये बता देंगे ये देखो स्पर्श कर रहा है, तो ये पढ़ के इसी तरह बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेल लिपि लिखी जाती और पढ़ी जाती है दोस्तों। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, आपको बता दें कि आपको बताना होगा दोस्तों कि ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया था, क्या ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया था, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों आपको बता दें अगर इसकी ईपीडीएफ चाहते हैं आप तो किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये आपकी ईपीडीएफ, इसमें आपको संपूर्ण मैराथन की वीडियो पूरी मिल जाएगी दोस्तों। देखिए हिंदी भाषा और उसकी बोलियां क्या क्या होगा इसमें, देखिए हिंदी की उत्पत्तियों की जो हम पढ़ चुके हैं, और हिंदी का विकास क्रम जो पढ़ चुके हैं, हिंदी का नामकरण जो पढ़ चुके हैं, हिंदी भारतीय भाषा परिवार ये भी पढ़ चुके हैं, और हिंदी भाषा के विभिन्न रूप ये भी पढ़ चुके हैं, और हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां ये भी पढ़ चुके हैं, और लिपि और बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों। तो ये सब कुछ आपको इसी एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा जिसका हमने मात्र
रुपए कितने रखे हैं, 25 रुपए। देखिए 25 रुपए आप खर्च करके ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है आप प्राप्त कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अगर इसको आप प्राप्त करना तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।